स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस का बटन ऑन कर लीजिए बेल आइकन पर क्लिक करते हुए। तो जी, आज का क्वेश्चन है हमारा डिस्प्ले स्क्रीन क्या होती है। ठीक है, ये आपकी एक आउटपुट डिवाइस होती है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स को हमने सबसे पहले देखना है। वॉट इज़ डिस्प्ले स्क्रीन, जिसे हम मोनीटर भी बोलते हैं, खाली स्क्रीन भी बोलते हैं, ये आपको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट जो है वो फ्राहम करती है। आउटपुट टेक्स्ट, ग्राफिक्स या वीडियो किसी भी शक्ल में हो सकती है। इसके तीन मेजर फीचर्स हैं या करेक्टरिस्टिक्स, आप इनको बोल सकते हैं। तो पहली है जी साइज़। साइज़ जब भी आपने अपने मोनीटर का मैयर करना है तो उसको इस तरीके से डायगनली मैयर करना है। जो आपके पास अवेलेबल मोनीटर्स जो हैं आपकी मार्केट में, वो 17 इंचज़ से लेकर 30 इंचज़ तक मौजूद हैं। जो लैपटॉप स्क्रीन्स हैं वो 14 to 17 इंचज़ तक यूजुअली होती हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है आपके मोनीटर का जो कलर है वो किस तरह का है। तो दो तरह के हो सकते हैं, या तो मोनोक्रोम स्क्रीन्स हो सकती हैं जो आजकल रेयरली यूज़ होती हैं, जिनमें जस्ट ब्लैक एंड वाइट मोनीटर्स जो हैं वो आ जाते हैं। आजकल जो यूज़ होने वाली हैं वो कलर्ड आपकी जो है मोनीटर स्क्रीन्स हैं, जो कि मल्टीपल कलर्स डिस्प्ले कर सकती हैं। रेड, ब्लू और ग्रीन के कम्बिनेशन से इनको RGB मोनीटर भी बोलते हैं। ये बेसिक 3 कलर्स होते हैं जिनके कम्बिनेशन से डिफरेंट कलर्स बन जाते हैं। ठीक है, 256 कलर्स और 1000 ऑफ वेरिएशंस के साथ ये वाले जो आपकी कलर्ड मोनीटर्स हैं वो आजकल मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है रेजोल्यूशन क्या होती है। तो आपकी जो रेजोल्यूशन होती है वो छोटे छोटे जो डॉट्स हैं आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जिनको हम पिक्सल्स बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बताती हैं। पिक्सल जो हैं आपके हॉरिजेंटली और वर्टिकली कंप्यूटर की स्क्रीन पर अरेंज हुए हुए होते हैं। अब एक स्क्रीन पर कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं वो चीज़ होती है आपके मोनीटर की रेजोल्यूशन। जितने नंबर ऑफ पिक्सल्स ज़्यादा होंगे उतना ही शार्प और क्लियर इमेज आपकी मोनीटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो आपका अगर अच्छा हाई रेजोल्यूशन जो मोनीटर है अगर आपके पास, तो आपका इमेज उतना ही क्लियर और वाजे डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर क्या होता है। अगर आपने अपने कंप्यूटर पर ग्राफिक्स को डिस्प्ले करना है तो वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर, जिसको हम ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं, ये आपके कंप्यूटर में लाजमी होना चाहिए। ठीक है, ये होता क्या है, एक ख़ास किस्म का सर्किट बोर्ड होता है जो कि आपकी जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसकी रेजोल्यूशन के बारे में बताता है, नंबर ऑफ़ कलर्स के बारे में, ठीक है, और आपके मोनीटर पर जिस स्पीड से मूविंग इमेजेस ने डिस्प्ले होना होता है उस बारे में बताता है। तीन तरह के वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर्स होते हैं, एक VGA होता है, SVGA होता है, XGA होता है। तो VGA है एब्रीवेशन वीडियो ग्राफिक एरे की, और ये 16 से लेके 256 कलर्स तक को सपोर्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन के आपकी मोनीटर की रेजोल्यूशन कितनी है। ठीक है, ये 16 कलर्स को एक स्क्रीन के लिए सपोर्ट करेगा। अगर आपकी मोनीटर की रेजोल्यूशन 320x200 पिक्सल्स है और ये 256 कलर्स को सपोर्ट करेगा, अगर आपके मोनीटर की रेजोल्यूशन जो है वह 640x480 पिक्सल्स है, इसको यूजुअली 4-bit कलर स्कीम भी बोलते हैं, क्योंकि 2^4 अगर हम करें तो 16 नंबर ऑफ कलर्स मिनिमम जो है ये हमें दे सकता है, डिस्प्ले कर सकता है, तो 16 कलर्स आपके बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है SVGA, दैट इज सुपर वीडियो ग्राफिक एरे। ठीक है, इसमें 800 से 600 पिक्सल्स जो हैं और 1024 से 768 पिक्सल, दो तरह के ग्राफिक मोड्स अवेलेबल हैं, और ये यूजुअली आपके 256 कलर्स को सपोर्ट कर रहा होता है। 2^8 करें तो 256 बनता है, तो आपके इसको इसी वजह से 8-bit कलर भी बोलते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपकी जो ग्राफिक कार्ड है वो XGA भी हो सकता है, दैट इज़ एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे। तो ये आपका 24-bit कलर होता है, जिसे हम ट्रू कलर भी बोलते हैं, और ये 16.7 मिलियन कलर्स को अगर आपके मोनीटर की जो रेजोल्यूशन है 1024 × 768 पिक्सल्स हैं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, तो ये 24-bit कलर आपको प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि आपके जो मोनीटर्स हैं वो कितनी किस्म के होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है वो CRT मोनीटर है। इस पर अलग से आपका नोट भी आ सकता है कि व्हाट इज़ अ डिस्प्ले स्क्रीन एंड राइट्स इट्स टाइप्स। ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो आपने फिर जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा। तो CRT मोनीटर जो होता है वो, उसे हम कैथोड रे ट्यूब मोनीटर कहते हैं। ये जो हमारे पुराने TV होते थे छोटे से और हैवी से, ठीक है, उस टाइप की एक ये स्क्रीन होती है। इसके अंदर कैथोड रे
ट्यूब लगी हुई होती है जो कि एक वैक्यूम ट्यूब होती है जो कि आपकी जो आउटपुट है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करती है। ठीक है, तो इस ट्यूब की जो स्टार्टिंग स्क्रीन है, ठीक है, उसके ऊपर फॉस्फोरस की एक लेयर चढ़ी हुई होती है और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गन्स इसमें लगी हुई होती हैं, ठीक है, अगर आपका कलर मोनीटर है तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू तीन तरह की इलेक्ट्रॉनिक गन्स लगी होंगी, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन पर आकर स्ट्राइक करते हैं तो आपको जो है वो इमेज नज़र आता है। और ये यहाँ पर आपको जो है पिक्सल शो किए गए हैं जो कि हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली आपको नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस हैं या डॉट्स हैं। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है फ्लैट पैनल मोनीटर क्या होता है। ठीक है, ये जो दूसरे सीआरटी मोनीटर्स हैं इसकी निस्बत जो है कम जगह घेरता है, लाइट वेट होता है, कम पावर लेता है, बिजली कम खर्च करता है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है। और इसकी जो स्क्रीन है उस पर दो ग्लास की, दो शीशे की प्लेट्स लगी हुई होती हैं जिनके अंदर डिफरेंट तरह का जो सब्सटेंस है, जो मादा है, वो भरा हुआ होता है और उसी मादे की बेस पर इसकी फर्दर तीन टाइप्स हैं। तो सबसे पहली बात आ जाती है LCD, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही है। तो जो LCD होती है इसकी जो ग्लास प्लेट्स हैं इसके दरमियान में लिक्विड क्रिस्टल भरा हुआ होता है, ठीक है, और जो आउटपुट इमेज जो है वो लिक्विड क्रिस्टल की वजह से ही आपको इसकी स्क्रीन पर नज़र आता है। जो ही इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है लिक्विड क्रिस्टल में से तो जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से लाइनअप हो जाते हैं कि कुछ लाइट वेव्स जो है बिहाइंड द स्क्रीन ब्लॉक हो जाती हैं और कुछ जो है वो लाइट गुजर जाती है, ठीक है, और इस तरह से आपको जो इमेज है अपनी स्क्रीन पर क्लियरली नज़र आ जाता है। यूजली PDAs में, मोबाइल फ़ोन्स में, डिजिटल कैमराज में LCD डिस्प्ले ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी टाइप आ जाती है दैट इज़ ELD, ठीक है, जिसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट डिस्प्ले, ठीक है। ये छोटी सी पतली सी एक फिल्म होती है जिस पर फॉस्फोरिसेंट सब्सटेंस लगा हुआ होता है दोनों प्लेट्स के दरमियान और ये सब्सटेंस ग्लो करता है जब इसमें से बिजली गुजरती है, इसी वजह से आपको इमेज जो है स्क्रीन पर नज़र आता है, ठीक है। और ये आजकल वैसे इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि आजकल जो है आपकी LCD टेक्नोलॉजी ज़्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट आपकी जो मॉनिटर की टाइप है वो है गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, ठीक है, तो गैस प्लाज्मा टेक्नोलॉजी को ये यूज़ करता है। दोनों प्लेट्स के दरमियान जो है एक गैस की लेयर होती है और ये गैस जो है ये एमिट करती है, खारिज करती है अल्ट्रावायलेट लाइट को जब भी इसमें से बिजली गुजरती है, जब भी आप इसकी जो है वो इसको पावर सप्लाई मुहैया करते हैं, और ये जो लाइट है आपकी जो स्क्रीन के पिक्सल्स हैं उनको ग्लो करने में मदद देती है और जो ये पिक्सल्स ग्लो करते हैं तो आपको इमेज नज़र आता है। काफ़ी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स में ग्लास प्लाज्मा डिस्प्ले जो हैं वो बड़ी क्लियरली इमेज जो है आपको दिखा सकते हैं। इनकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो LCD से भी अच्छी होती है लेकिन ये LCD से थोड़े महंगे होते हैं, इस वजह से इनको यूजली लोग कम खरीदते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको शॉर्ट के लिहाज से पूछा जा सकता है दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द LCD मॉनिटर एंड द CRT मॉनिटर। तो इसमें LCD मॉनिटर जो है आपके वो लाइट वेट होते हैं, ठीक है, कॉमनली यूज मोबाइल कंप्यूटर्स पे डिवाइसेस पे यूज़ हो रहे होते हैं, बिजली भी कम लेते हैं, ठीक है, और इनमें लिक्विड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। इसमें जो आप चार्ज बैटरी है उसके साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, महंगे होते हैं, कम जगह घेरते हैं, लेकिन ये हार्मफुल रेडिएशंस जो हैं वो खारिज करते हैं। जबकि बात आ जाती है CRT मॉनिटर की, ये LCD से थोड़े हैवी होते हैं, आजकल बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा ये बिजली खींचते हैं। इसके अंदर कैथोड रे ट्यूब यूज़ होती है जो कि लिक्विड क्रिस्टल से डिफरेंट एक टेक्नोलॉजी है और ये कम महंगे होते हैं, जगह भी ज़्यादा लेते हैं और इसके अंदर से हार्मफुल रेडिएशंस जो हैं वो खारिज नहीं होती। तो ये इनका जी बेसिक डिफरेंस है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।